मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां बड़े तालाब में नहाने गए चार बच्चों में से एक की डूबने से मौत हो गई। दरअसल वर्धमान पार्क के पास तालाब में चार बच्चे नहाने आए थे, इसमें से एक बच्चा पानी में डूब गया। पुलिस के मुताबिक चारों बच्चे छोला रोड स्थित राधा कृष्ण कॉलोनी में रहने वाले थे। कड़ी मशक्कत के बाद नगर निगम गोताखोरों ने रेस्क्यू करके बच्चे के शव को बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस जाँच कर रही है। राधा कृष्ण कॉलोनी छोड़ा रोड के आए थे, जो बिना किसी को बताए चुपचाप से उसी तल्ला की बढ़िया से उतर करके साइड से किनारे किनारे आगे चले गए, और उन्होंने कोई प्लास्टिक या अत्यूति बना बांध के कैसे बताया, जो बच्चों ने बताया उसके आधार से नहा रहे थे पानी में। इसी बीच में उन चार बच्चों में से एक बच्चा वहाँ पे डूब गया, जिसकी जानकारी मिली रात काफ़ी हो जाने से। जब नहीं मिल पाया तो सुबह है जो है वो फिर से उसका प्रयास किया, उसके बाद उसकी बॉडी निकाली गई है।